चौथा हिस्सा करके हमने ये चौथा हिस्सा इस लाइन से नीचे की तरफ कर देना है, और ऊपर जो आएगा ये आएगा हमारा जितना हमारा तीरा होता है, तीरा है हमारा जैसे 17.5, तो 17.5 का आधा हो गया 9.25, और 9.25 का आधा हो गया 4.5 से एक सूत कम, तो 4.5 से एक सूत कम के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगा देना है। बैक जो है कुर्ते का वो इतना ही उठेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा YouTube फैमिली, बढ़िया सब? तो आज इस वीडियो में मैं कुर्ता की कटिंग करने जा रहा हूं। ये मेंस कुर्ता है और ये बैन वाला है, ठीक है? बैन वाला कुर्ता एक कॉलर वाला होता है, ये बैन वाला है। इसका कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड बाहर की तरफ रखेंगे, और ये कितना फोल्ड करना है ये जितना हमारा साइज में सबसे ज्यादा हो, जैसा इसका साइज में छाती का साइज सबसे ज्यादा है तो उसका चौथा हिस्सा प्लस जो आपने लूजिंग छोड़ना हो उतना कपड़ा आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जितना ऊपर से है ये, ठीक है, ये पोर्शन जितना ऊपर से है उतना ही नीचे से होना चाहिए। ये टेढ़ा नहीं बिठाना है, इसको बिल्कुल सीधा बिठाना है, और टेबल के किनारे पर लेयर को सीधा इस तरह से बिठा देना है। मैं सबसे पहले आपको इसके साइज से रूबरू करा देता हूं। तो कुर्ते का लंबाई जो है वो है 39 इंच, छाती है इसका 38.5 इंच, कमर है इसका 35 इंच, और पेट से इसका राउंड साइज है 37 इंच, और हिप का साइज है 38 इंच, तीरा है 17.5, गला है 15.5, और बाजू है इसका 24.25 इंच। बैन वाला है और कफ इसको आएंगे बाजू के 2.5 इंच के, केवल 2 साइड पॉकेट्स आएंगी, फ्रंट के पॉकेट जो है वो नहीं आएगी, फ्रंट पे पॉकेट नहीं आएगा, क्लियर? तो ये है हमारा कुर्ता का कपड़ा, मैंने बिछा लिया है, और सबसे पहले हम इसके ऊपर एल स्केल की हेल्प के साथ टेप, यहां पर किनारे पर ये जो फोल्ड किया है हमने इस तरफ, इसका 90 डिग्री पर इस तरह से हम रखते हुए ऊपर एक 90 डिग्री का ही लाइन जो है वो इस तरह से लगाएंगे सबसे पहले, ताकि ऊपर से भी कपड़ा जो है वो सीधा हो जाए, ठीक है? अब यहां से इसका लंबाई मार्क करना है हमें, तो लंबाई है इसका 39 इंच, 39 इंच के ऊपर हमने इस तरह से निशान लगा देना है, और जो छाती है इसका ये है 38.5, 38.5 का चौथा हिस्सा हो गया 9.5, और एक सूत आधा इंच इसमें से माइनस कर देना है, तो ये हो गया 9 इंच और एक सूत के ऊपर इस तरह से हमारा छाती का माप जो है वो लग जाएगा। इसको थोड़ा फिटिंग में चाहिए तो इसलिए हमें ये आधा इंच यहां से भी कम करना जरूरी है। अब हमारा यहां पर भी 90 डिग्री का लाइन आ गया, और नीचे घेरे पर लाइन जो है वो हल्का सा ऊपर की तरफ टेढ़ा जाएगा, ठीक है? और ये हमारा नीचे जो कपड़ा फोल्ड होगा उसके लिए मैं कपड़ा यहां नीचे इस तरह से रख देता हूं, क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक का निशान लगाना। नेक जो है वो 15.5 है और छाती है 38.5, तो इसका बैठेगा हमारा 3 इंच के ऊपर, तो 3 इंच के ऊपर हमने मार्क कर लेना है। जो डाउन करना है ये करना है 2.5 इंच, ये 3.25 बैठ रहा है वैसे फॉर्मूले के हिसाब से, तो हमें 3 इंच ही बिठाना है, कम रखना है, क्योंकि जब हम बैन लगाएंगे तो ये अगर छोटा होगा तो उस समय छांट देंगे, अगर ये बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत में आ जाएंगे, है ना? तो ये थोड़ा सा गले का हल्ला कटिंग के टाइम पे थोड़ा कम ही रखना है। तीरा है हमारा 17.5 इंच, 17.5 का आधा हो गया 9.25, और 9.25 में आधा इंच हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.25, आधा इंच हमने प्लस किया सिलाई के मार्जिन का, और यहां से डाउन तीरा करेंगे हम 2.25 इंच पे, और छाती का चौथा हिस्सा यहां पे आ जाएगा 9.5 और एक सूत पे, और यहां से हम 2.25 इंच के ऊपर एक निशान इस तरह से लगाया जाएगा, और यहां से 6 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, और ये जो है ये हमारा पेट और छाती के बीच का जो शेप होता है ये वो है। यहां पर इसका साइज है 35 इंच, तो 35 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.25 इंच, और आधा 9.25 इंच हो गया, 9.25 इंच के ऊपर ही हमारा ये निशान जो है ये इस तरह से लग जाएगा, और यहां से हमें 1.5 इंच से एक सूत कम, 1.5 इंच से एक सूत कम पे हमें ये निशान लगाना है, क्योंकि उसको फिटिंग वाला चाहिए, क्लियर? इसके बाद हमारा पेट पर साइज है 37 इंच, 37 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.25 इंच,
तो 1.25 इंच के ऊपर निशान आ जाएगा और यहां पर भी हम 1.5 इंच से एक सूत कम पे निशान जो है अलग लगा देंगे, जो हमारा लूजिंग होगा ये वो निशान है। इसमें जो मार्जिन होता है, जब अंदर की तरफ मार्जिन रखते हैं कल को खोलने के लिए, तो वो उस कुर्ते में हो सकता है जिसमें उसको साइड पॉकेट नहीं चाहिए। ठीक है, अगर साइड पॉकेट चाहिए तो मार्जिन नहीं रखा जा सकता। ठीक है, क्योंकि पॉकेट लगाने के टाइम पे, बोन बनाने के टाइम पे उसकी दिक्कत आ जाएगा। तो हिप पर जो इसका साइज है ये है 38 इंच, 38 का हो गया हमारा चौथा हिस्सा 9.5, और 9.5 से अगेन 1.5 इंच से एक सूत कम पे ऊपर हमारा निशान ये आ जाएगा। अब यहां पर जो हमारा निशान आया है उतना ही निशान हमने घेरे पर यहां पे दे देना है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा काम शेप पट्टी का। शेप पट्टी के साथ ये जो चेस्ट का पॉइंट है इसको हमने, ये जो मैंने अभी आपको निशान बताया था इसके ऊपर हमने इस तरह से मिलाना है। अगर उसका पेट कम होता इसके अकॉर्डिंग या इससे थोड़ा सा ज्यादा भी होता तो ये शेप इस तरह से चला जाता, लेकिन ये शेप थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलेगा, इसलिए हमें शेप पट्टी को घुमाकर इस तरह से आपको निशान लगाना है और ये निशान ऐसे धीरे धीरे यहां पे हिप पर ले जाना है और नीचे घेरे पर यहां पर टच करके हिप वाले निशान को आगे कंटिन्यू कर देना, सीधा मत लगा देना एक ही बार में। क्लियर हो गया। अब हमारा ये जो आर्म होल का निशान है इसको भी हमें इस तरह से मिला देना है और ये हमारा आ जाएगा शोल्डर का ये लाइन। क्लियर। अब यहां से यहां तक कितना है, ये है हमारा 7.5 इंच, तो 7.5 का आधा कर लो, ये हो गया हमारा 4.25 इंच के ऊपर निशान आ गया सेंटर, यहां इसका और इसका सेंटर। अब यहां से 0.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है और हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है इसकी हेल्प के साथ इस पॉइंट को टच करके, चेस्ट के पॉइंट को टच करके और ऊपर शोल्डर पॉइंट को टच करके ये आप बिठा लेना और यहां पर इस तरह से आपने ये जो कर्व है ये आर्म होल का लगा देना है और ऊपर गले का हल्ला इसको भी इस तरह से गोलाई बना देना है। ठीक है, अब हमारा निशान आ गया पॉकेट का लगाने का, जो साइड पॉकेट आएंगी वो यहां से चेस्ट वाले निशान से 7 इंच नीचे करके एक निशान लगेगा और यहां से इसका जो होगा वो होगा 6 इंच पे, 6 इंच का इसका मुंह आ गया पॉकेट का और यहां से 7 इंच नीचे। क्लियर। और यहां पे मैं एफ लिख देता हूं, एफ मतलब फ्रंट, ताकि कारीगर को फ्रंट और बैक को पहचानने में दिक्कत ना हो, वैसे तो नहीं होती लेकिन कई बार गलती लग सकती है तो ज्यादा बेटर है मैं यहां पे एफ लिख देता हूं। अब हमारा फ्रंट का कुर्ते का निशान लग चुका है, मैं इसका कटिंग कर लेता हूं, फिर उसके बाद बैक का कटिंग किस तरह से करना है वो भी बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये बैक का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिठा लिया है, ये भी उसी तरह से फोल्ड करना है और ये यहां से जरूर चेक कर लेना आप अपना किनारा, ये जो होता है यहां से ये जितना यहां तक आ रहा है उतना ही यहां से यहां तक होना चाहिए, ये भी टेढ़ी लेयर नहीं बिछानी है। तो इस तरह से आप बिछाने के बाद जो हमारा फ्रंट है इसको इसके ऊपर प्लेस कर दिया जाएगा, ये आप देखें जरा ध्यान से। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमें शर्ट का जो मेजरमेंट है वो लेना किस तरह से है, जो आप कटिंग करते हैं उसके हिसाब से वो साइज किस तरह से लिया जाए, तो उसके ऊपर इसके बाद जो वीडियो आएगा वो उसी के ऊपर आएगा। क्लियर। तो ज्यादा बेटर है, तभी मैं बोलता हूं यार वीडियो स्किप मत किया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ चीजें निकल जाएंगी, कुछ मैं बोल देता हूं वो फिर आपको निकल जाएगा, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं क्लिक किया वो क्लिक कर लो पहले, ठीक है, उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब हमने बैक को ऊपर उठाना होता है कुर्ते में, अब कितना ऊपर उठाना है वो चीज आप बारीकी से समझ लेना अच्छे से। ठीक है, ये यहां से यहां तक कितना है, यह है हमारा 9.25 इंच। ठीक है, 9.25 इंच। अब 9.25 इंच आ रहा है, वैसे एक सूत कम है, 9 इंच और एक सूत लगा लो आप, और यहां से हमारा इसका जो
सवा दो इंच के ऊपर और साढ़े चार सवा दो लेके चलो आप, जितना ये आ रहा है ना हमारा फ्रंट का, इसका चौथा हिस्सा कर लेना है। चौथा हिस्सा करके हमने ये चौथा हिस्सा इस लाइन से नीचे की तरफ कर देना है और ऊपर जो आएगा ये आएगा हमारा जितना हमारा तीरा होता है, तीरा है हमारा जैसे 17.5, तो 17.5 का आधा हो गया 9.25 और 9.25 का आधा हो गया 4.5 से एक सूत कम, तो 4.5 से एक सूत कम के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगा देना है। बैक जो है कुर्ते का वो इतना ही उठेगा, क्लियर। ये भी एक कमेंट किया था इसका फॉर्मूला बताओ, तो ये मैंने आज उसी मेरे भाई बंधु के लिए जो फॉर्मूला है वो बता दिया, अब उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर वो वीडियो देख रहा होगा। अगर उसने जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक किया होगा तो तभी नोटिफिकेशन जाएगा उसके पास। एनीवे, ये हमारा जो फ्रंट का हमने रखा था 3 इंच पे रखा था, बैक का भी हमने 3 इंच पे रखना है और तीरा है 17.5, 17.5 का आधा हो गया 9.25 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन, यहाँ पे 9.25 इंच के ऊपर हमने निशान जो है ये लगा देना है। अब ये हो गया हमारा तीरे का ये निशान। अब हमारा यहां से ये जो हमारा पॉइंट है टॉप का, यहां से हमने ये निशान को देखना है ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा अप्रोक्सीमेटली 2 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है और यहां से भी हमने 2 इंच से हल्का सा ज्यादा इस तरह से एक निशान लगा देना है। अब फ्रंट का ये शोल्डर जो है ये कितना है ये आप जरूर चेक करना, ये आ रहा है हमारा 6.5 इंच, तो यहां पर भी हमारा 6.5 इंच के ऊपर इस तरह से क्रॉस जो है ये जरूर चेक कर लेना। अब हमारा ये जो पॉइंट है इसको इस तरह से आपने मिला देना है और ये पॉइंट हमारा 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से एक लग जाएगा, क्लियर हो गया। ये हमारा पॉइंट आ गया अब जो आर्म होल का बैक का है, यहां से फ्रेंच कर्व के साथ इस तरह मत बिठाना, ठीक है। फ्रेंच कर्व का ज्यादा गहराई में गोलाई नहीं बनता बाजू का बैक का, इसको आपने इस तरह से रखना है, ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा बाजू जब आगे करेगा तो टाइट ना फील हो, थोड़ा लूजिंग सा रहे, वैसे फिटिंग में है लेकिन ये चीज बाजू की बार आगे करते समय क्या होता है कि टाइट फील आ जाता है। वैसे भी जो जिम वगैरह जाते हैं बॉडी बिल्डर टाइप होते हैं उनका बैक जो होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, तो उसी हिसाब से अगर आप रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। और यहां से ये डाउन कितना होगा, ये यहां से डाउन होगा 1.25 इंच के ऊपर, ठीक है, 1.25 इंच के ऊपर यहां पे डाउन होगा बैक का और ये हमारा जो फ्रेंच कर्व है इसके साथ बैक नेक का गोलाई भी बना दिया जाएगा और इस पे लिखा जाएगा बी, बी फॉर बैक, क्लियर। अब हमारा जो बैक का मार्किंग है वो हो चुका है और अभी मैं बैक का कटिंग करने जा रहा हूं, इसके बाद बाजू का किस तरह से कटिंग होगा वो भी आप जरूर देखना, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है बाजू का कटिंग करने के लिए, तो कपड़े को यार प्रेस जरूर कर लेना, प्रेस करने लग पड़ता हूं मैं तो फिर क्या है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूं आप लोगों से कि अभी मिलता हूं कपड़ा बिछाने के बाद, तो क्या है कि खाली कपड़ा प्रेस करना होता है तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा दिक्कत में ना आए तो मैंने कहा मेरे जो व्यूअर्स हैं कहीं बोर ना हो जाए, तो वैसे तो बोर होने वाली बात नहीं है, जो लोग सीखने आए हैं उनको बोर से कोई मतलब नहीं है और जो घूमने आए हैं वो थोड़ा घूमेंगे भी। एनीवे, ये कितना फोल्ड करना है और ये कितना यहाँ पे होना चाहिए, जितना हमारा छाती है उसका चौथा हिस्सा और नीचे से 1.25 इंच आपने फोल्ड करना है किनारा पट्टी को छोड़कर। अब ऊपर से ये हमें चाहिए छाती का चौथा हिस्सा 9.5 और एक सूत, ये थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है, अगर आप चाहें तो कम कर सकते हैं, यहां पर इस तरह से शेप बिठा लेना। और ये जो है पोर्शन हमारा ये मैंने बताया है 1.25 इंच के आसपास जरूर होना चाहिए, इससे कम मत कर लेना क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, अगर इस तरह की कटिंग में अगर आप जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा।
अब हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट है, यहां पर कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके यहां ऊपर एक एल स्केल की हेल्प के साथ हमें ये लाइन जो है इस तरह से 90 डिग्री लगा देना है, और हमारा जो यहां से आएगा ये आएगा हमारा 4 इंच के ऊपर, ठीक है। इसको फिटिंग वाला चाहिए तो ये जो शेप है वैसे 3.5 पे बैठ रही है, आधा इंच और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसको फिटिंग में चाहिए, नहीं तो वो बाजू में हल्का सा झोल आ जाता है। अब यहां पर हमारा ये जो है ये आएगा छाती का चौथा हिस्सा, यानी कि 9.5 और 1 सूत, और इस पॉइंट को हमने यहां कॉर्नर पर इस तरह से मिला देना है। अब हमारा जो बाजू का लंबाई है वो हमें चाहिए 24.25 इंच, तो 24.25 इंच को यहां पर इस तरह से आपने पकड़ के लाइन के ऊपर रख देना है, और यहां से हमने 1.5 इंच माइनस कर देना है, यानी कि 23.25 इंच के ऊपर हमारा इस तरह से ये निशान बैठेगा, क्योंकि नीचे हमारा 2.5 इंच का कफ आ जाएगा, तो उसको जब सिलाई करेंगे तो सिलाई का मार्जिन निकालने के बाद ये हमारा बाजू रेडी होने के बाद 24.25 तैयार हो जाएगा। अब एल स्केल को अगेन इस फोल्ड के ऊपर 90 डिग्री पे रख के यहां से जो है 2 सूत ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है, और एल स्केल को इस तरह से घुमाना है आपने। ये वाला जो लाइन होता है ये थोड़ा सा तिरछा होता है, थोड़ा सा नीचे जाएगा इस तरह, जैसे पैंट का बॉटम जाता है। अब यहां से 6 इंच के ऊपर हमारा ये निशान इस तरह से लग जाएगा, और जो हमारा शेप पट्टी है उसकी हेल्प के साथ आपने ये पॉइंट जो है इसको इस तरह से मिला देना है। क्लियर, ये हमारा निशान आ गया सीधी साइड का, और यहां से हमने रखा था 9.5 और 1 सूत, और 9.5 और 1 सूत का हमने आधा कर लिया, तो वो हो गया हमारा 4.25 इंच के थोड़ा सा कम, 4.25 से थोड़ा सा कम हो गया है ना। अब यहां से हमारा फिर से अगेन 2.5 से 1 सूत कम के ऊपर हमारा ये आधा आ गया, और यहां से भी हमारा 2.5 से 1 सूत कम यहां पे हमारा निशान ये आ गया। क्लियर, सॉरी जोर से बोलना पड़ता है ना, ताकि रिकॉर्डिंग में वीडियो जो है वो तो क्लियर आ ही जाए लेकिन आवाज भी आप लोगों तक पहुंचे, थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है इसलिए खांसी हो जाती है मुझे, जैसा ज्यादा जोर से बोलने की आदत नहीं है वैसे, तो इसलिए थोड़ा सा अभी वो माइक नहीं लिया मैंने कॉलर वाला, तो ले लेंगे वो भी जल्दी। एनीवे, इस लाइन को 4 बराबर हिस्सों में बांट देना है। अब ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, यहां से हमने 0.25 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, सेंटर वाले पॉइंट से 0.5 इंच ऊपर निशान आएगा, और थर्ड वाले पॉइंट से 2 सूत के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है, और आपने अपनी कैंची की हेल्प के साथ यहां से इस तरह से इन निशान की तरफ बढ़ते हुए आपने कटिंग कर देना है यहां नीचे तक, और ये हमारा फ्रंट का जो शेप है ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा बॉटम का ये वाला जो पार्ट है ये भी कट हो गया, यहां पे नॉचेस दे दिए यानी कि गुटका आ गया, और यहां से हमारा ये जो है कर्व मैंने लगाया था शेप पट्टी के साथ, इसी के ऊपर आपने इस तरह से कटिंग कर देना है। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि कटिंग करने के बाद, बनने के बाद किस तरह से दिखता है वो हमें आप बताएं प्लीज, है ना, बनने के बाद कैसा दिखता है ये, तो उनके लिए मैं ये बोल देता हूं कि जो वीडियो है मेरा इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उन डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक पड़ा हुआ है, वो उस क्लिक करें और इंस्टाग्राम के ऊपर जाके वो चेक कर लें। मैंने जो काम किए हैं अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी हेल्प से मैंने जो कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करके मैं वहां डाल देता हूं, आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं, और बहुत जल्द यूट्यूब का जो कम्युनिटी वाला जो पोर्शन होता है वहां पर भी मैं फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। क्लियर, अब हमारा ये जो पोर्शन है इस तरह घुमा लेना है, और ये जो इस तरफ से ये जो ओपन साइड आ गया अब हमारा इस तरफ, यहां से ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहां से हमने 1.25 इंच नीचे एक निशान लगाना है, यहां से 2 सूत आगे की तरफ एक निशान लगाना है, और लास्ट वाले ये पॉइंट से 2 सूत ऊपर की तरफ इस तरह से निशान जो है ये आप मार्क कर लेना। अब हमारा ये जो 2 लेयर है, ये टोटल 4 लेयर है, ठीक है, 1, 2 और 2 यहां ऊपर है, आप जूम करके चेक कर लो, ये जो 2 लेयर है इनके अंदर इस तरह से आपने अपनी कैंची को रखते हुए गोलाई में इन निशान की तरफ आपने बढ़ना है, और आपने इस तरह से कट कर देना है।
ये बहुत सिंपल और इजी मेथड है बाजू की कटिंग करने का और एकदम परफेक्टली क्लियर। ये हमारा फ्रंट का जो शेप है ये ऑटोमेटिकली बन गया है। अब बैक का बारी आ जाता है। बैक में यहां से तीन सूत पे इस तरह से आपने कर्व शुरू करना है हल्का सा गोलाई में और धीरे धीरे कम करते 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 इस तरह से आपने ये कट कर देना है इतना पोर्शन। इससे क्या है कि जो बैक की बाजू का जो पोर्शन है एकदम नीचे वहां पे अगर कपड़ा थोड़ा सा फूल जाता है तो अगर आप इस तरह से निकाल देंगे तो ये दिक्कत आपका खत्म हो जाएगा। अब देखो आप जूम करके चेक कर लो, ये देखो ये हमारा फ्रंट का शेप कितना प्यारा आ गया और ये हमारा बैक का क्लियर। तो ये हमारा बाजू का फ्रंट का और बैक का कुर्ते का कटिंग मैंने आपको कोशिश की है बारीकी से एक एक चीज समझा दूं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको कटिंग में अगर कुछ मुश्किलात आती हैं तो वो थोड़ा सा हेल्प कर दूं मैं उनकी, है ना। और बहुत जल्द इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कुर्ते की कटिंग के वीडियो के बाद, जो शर्ट का मेजरमेंट लेना किस तरह से है वो भी मैं बारीकी से एक एक चीज उसमें बताऊंगा। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। दीजिए मुझे इजाजत।